आनंदितो प्रभु को महिमा मिले रघुनाथ बड़े मैं रहे उसी का आज का दिन यहोवा ने बनाया है हम उसमें आनंद तो आनंदितो खुशी खुशी मनाओ खुशी खुशी मनाओ खुशी खुशी मनाओ खुशी खुशी मनाओ बोलो बोलो मसीहा की जय 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 बोलो बोलो मसीहा की जय जय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप लोग सुप्रभात अच्छे हाउ हैं आर ऑल ऑफ यू आर यू थोड़ा फाइन हंस के दिखाइए कैन यू स्माइल प्रभु आप सबसे बहुत प्रेम करते जीसस हैं लव्स यू वेरी मच आई कुछ भी करने से पहले प्रार्थना करेंगे पास्टर से दिन हमें बिफोर वी प्रार्थना गो इनटू एनीथिंग शैल वी प्रे हेवनली फादर वी थैंक यू स्वर्ग के पिता हम धन्यवाद देते हैं फॉर दिस ब्यूटीफुल डे इस अच्छे दिन के लिए धन्यवाद एज द साइमिस सेज भजन साहित्यकार कहते हैं I was glad when they said to me, मैं आनंदित हुआ जब उन्होंने कहा, "Let us go to the house of the Lord." आइए हम प्रभु की घराने में जाएं। And David said, और दाऊद कहा, "One thing that I desire the Lord, मैं एक बात प्रभु से मांगता and हूं, that will I seek after, और उसी की मैं खोज करता हूं, to dwell in the house of the Lord, परमेश्वर के घर में वास करूं। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। I give you glory. सारी महिमा तुझे देता हूँ। It's a joy to be in your presence. तेरे उपस्थिति में रहना कितना आनंद है प्रभु जी। And to draw from your presence. आ तेरी उपस्थिति से हम पाते हैं इसलिए धन्यवाद। Speak to us today. हमसे बातें कर प्रभु जी। We open our heart to you. हम अपनी दिलों को आपके लिए खोलता हूँ। Let every word take root and bear fruit. और सारी वचन जड़ पाकर फल लाए प्रभु जी। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। We give you glory. सारी महिमा तुझे देता हूँ। And bless everyone who's watching us. हर वो व्यक्ति को तू आशीष कर जो हमें देता है। Bless their family, their position, everything. उनकी परिवार, उनकी सारी अमानत पर तेरी अभिषेक हो। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. और सबने कहा, Amen. क्या आप वचन लेके बैठे हैं? Are you ready with the word? नोटबुक लेके लिखे। Right. Your notes in the book. आपका वचन आज का वचन आपको आपके जीवन में आशीष करे। Today's word is going to bless you. निर्गमन की किताब 19वां अध्याय उसके 24वां वचन। Exodus 19:22. 24. 24. यहोवा ने उससे कहा। The Lord said unto him. उत्तर जा। Away, get thee down. हारून समेत तू ऊपर आ। Thou shalt come up, thou and Aaron. परंतु याजक का साधारण लोग यहोवा के पास। But let not the priests and the people. बाड़ा तोड़ के ना चढ़ा। Break through to come to the Lord. ऐसा ना हो कि वह उन पर टूट पड़े। Lest he break forth. अतः ये बातें मूसे ने लोगों के पास उतर कर उनको सुनाई। And Moses went unto the people and spoke unto them. इब्रानियों 4 उसका 16। Hebrew chapter 4 verse 16. मिला? Did you get it? इसलिए आओ हम So let us therefore come अनुग्रह के निकट हिवाय बांधकर चले Boldly unto the throne of grace कि हम पर वह अनुग्रह पाए That we may obtain mercy जो आवश्यकता में हमारी सहायता करे Find grace to help us in the time of need Hallelujah Hallelujah कितना लोग वचन सुना How many of you heard the word Praise the Lord Praise the Lord जब परमेश्वर अपनी महिमा में मूसा को प्रकट होता था When God used to reveal himself in glory to Moses, सिर्फ मूसा को प्रकट होता था पर्वत के चोटी पर Only Moses could see his face in the top of the mountain. सिर्फ मूसा Only Moses. बाकी लोग पर्वत के चोटी पर रहते थे पर्वत के नीचे रहते थे All others would remain in the base of the mountain. निर्गमन 19 उसका 13 में 3 में लिखा है Exodus 13:3 says. No, 19:3. Exodus 19:3. निर्गमन के किताब
19 थी, एक्सोडस 19:3, तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ आया. सो मोसेस वेंट अप टू गॉड और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा, द लॉर्ड कॉल्ड अनटू हिम आउट ऑफ द माउंटेन सेइंग, याकूब के घराने से ऐसा कहा, Thus shall thou say to the house of Jacob, इस्राएलियों को मेरा यह वचन सुना, Tell the children of Israel, तुमने देखा है, You have seen what I did, मैंने मिस्रियों से क्या-क्या किया है, What I did unto the Egyptians, तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ा, I bore you on eagle's wing, अपने पास ले आया, Brought you unto myself, 24:2 में लिखा है, निर्गमन 24:2, Exodus 24:2. निर्गमन की किताब 24:2, एक्सोडस 24:2, केवल मूसा यहोवा के समीप आया, एंड मोसेस अलोन शल कम नियर द लॉर्ड, परंतु वे समीप न आया, बट शल नॉट दे शल नॉट कम नाई, और दूसरे लोग उनके संग ऊपर न आए, नाइदर शल द पीपल गो अप विद हिम. आज मेरे विषय है, इस मसीहा के द्वारा सबके लिए वो खोल दिया. Through Christ Jesus, the place is open to all. Open to all in Christ. Open to all in Christ Jesus. सबको परमेश्वर के पास आ सकते हैं. Everyone can come to Jesus now. हर व्यक्ति परमेश्वर के पास आ सकते हैं. Everyone can come to Jesus now. एक समय एक-एक व्यक्ति परमेश्वर के पास आते थे, परमेश्वर से बातें करते थे. There was a time only one person could come, or a specific person were called. आदम के टाइम में आदम से परमेश्वर बात किया. God spoke to Adam. नूह से बात किया. God spoke to Abraham से बात. Noah. एक-एक उस समय में एक ही व्यक्ति नहीं था, हजारों लोग थे. That time there were hundreds and thousands of people. पर परमेश्वर एक-एक व्यक्ति के द्वारा सारी लोगों से बात. But God utilized only one person at a time. पर अच्छी खबर ये है कि मसीह यीशु में सब हम परमेश्वर की महिमा के पास आ सकते हैं. But in Christ Jesus, the good news is everyone can be used by God. पुराने नियम में कुछ लोग आते थे. In the Old Testament, some people could come. परमेश्वर के पास कुछ लोग आते थे. Some people could come. परमेश्वर उन लोगों से बात करते थे. And God would only speak to them. अब वो लोग जाके बाकी लोगों से बात करते थे. And they would talk to other people. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. परमेश्वर मनुष्य के पास उतर आया उसकी महिमा में. God came down to man to talk to them. यीशु मसीह जो ईश्वर था, ईश्वरता को छोड़कर मनुष्य बन के आया ताकि सारी मनुष्य परमेश्वर को सीधा अप्रोच कर सके. God left his divinity and came as a human being so that all people would come to him. सब लोग फ्रीली मुफ्त में परमेश्वर के सिंहासन, अनुग्रह के सिंहासन पर आ सकते हैं. Now everybody could come freely into the presence of God. बिना कोई डर से, बिना कोई मौत से. Any fear or death. एक बच्चा अपने मां-बाप की गोद में उछलता है, उसी तरह हम परमेश्वर की गोद के पास आ सकते हैं. Just like a child jumps in joy in the arms of his parents, so we can come with joy in God's presence. यीशु मसीह जब धरती में था, मरियम को कहा, तूने उत्तम भाग को चुना, क्योंकि वो प्रभु यीशु के पांव के पास बैठी थी. When Jesus was on the earth, he looked at Mary and said, "You have chosen the best part, because you were sitting at the feet of Jesus." प्रभु की उपस्थिति की अनुभव करना हमारे जीवन की उत्तम समय है. To experience the presence of God is the most important time of our life. हर रोज मुझे और आपको प्रभु की पांव के सामने, पांव प्रभु के सामने बैठकर प्रभु की उपस्थिति से हमको भरने का. Every day we have to sit at the Lord's feet and be filled with the presence of God. नीति वचन 8 उसका 30, Proverbs 8:30. क्या लिखा है उधर? हालेलुया. तब मैं कारीगर सी
उसके पास थी. Then I was by him as one brought up with him. और प्रतिदिन मैं उसकी प्रसन्नता थी. I was daily his delight. हर समय उसके सामने आनंदित रहता हूँ. Rejoicing always before him. हमको प्रभु की उपस्थिति में आनंदित रहने. We should be joyful in God's presence. हर रोज सुबह उठकर प्रभु की उपस्थिति में हमको भरने का है. Every day we together in the morning and fill ourselves with God. हर रोज. Every day. आपका नाश्ता से बढ़कर है प्रभु की उपस्थिति. More than your breakfast is God's presence. हमें नाश्ता करने से पहले प्रभु की उपस्थिति में बैठो. More than we get the breakfast and all the food provision, we have to desire God. जिस तरह यीशु मसीह पिता के गोद में बैठे थे. Just like Jesus was in the presence of his father. उसी तरह मसीह यीशु के गोद में हम और आप बैठे. In the similar manner, we are sitting in the lap of God. भजन संहिता 2 उसका 11. Psalms 2:11. डरते हुए यहोवा को उपासना करो. Come with fear in his presence. और कांपते हुए मग्न रहो. And with fear and trembling. डरते मतलब ये नहीं कि कांपते हुए ना है. वो डर प्रभु की आदर और सम्मान करना है. The fear doesn't mean to just tremble before him, but to respect we must fear him. परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा. No man has seen God at any time. एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है. The only begotten son which is in the bosom of the father. उसे उसे प्रकट किया. He has declared to him. एकलौता पुत्र यीशु मसीह जो परमेश्वर के गोद में था. The only begotten son who is in the bosom of the father. उसी ने मुझे और आपको प्रकट किया. He has declared him. हालेलुया. हालेलुया. पुराने नियम में औरत लोग परमेश्वर के पास नहीं जाते थे. In the Old Testament, the women would never enter God's presence. इसलिए कई धर्म आज औरत लोग को प्रभु मंदिर मस्जिद में जाने के लिए अलाउ नहीं करते. Therefore, many religions do not allow ladies to come into the holy place. पर नए नियम में पुरुष क्या स्त्री सब परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकते हैं. But in the New Testament, what man, what woman, all are present in God's presence. सब परमेश्वर की उपस्थिति में. Everyone can enter into God's presence. प्रभु हमसे और आपसे बातें करना चाहते. God want to speak to each one of us. Hallelujah. Hallelujah. वो महान परमेश्वर कहता है कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ. The great God says, I want to talk to you. Hallelujah. हम उसके साथ joint है रहे. We are सहवारिश. सहवारिश है मसीह. गलातियों 3:28. गलातियों की किताब 3:28. कोरिन्थियों के बाद गलातियों 3:28. Galatians 3:28. मिला क्या? Did you get it? अब न कोई यहूदी रहा. There is neither Jew nor Greek. अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी. There's neither Jews nor Greek. ना कोई दास ना स्वतंत्र. There's neither bond nor free. ना कोई नर और नारी. There's neither male nor female. क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो. For you're all one in Christ Jesus. हम सब विश्वासी लोग मसीह यीशु में एक हैं. We all believers are one in Christ Jesus. परमेश्वर के साथ. With Jesus Christ. मसीह यीशु में. In Christ Jesus. मसीह के सारे लोग. With all the people of Christ. एक. We are all one. हम अलग नहीं है. We are not different. भले पुरुष या स्त्री है पर सबको परमेश्वर समान देखते हैं. Though we may be male or female, but God sees us in one way. हालेलुया. पहला पत्रस 3:7. 1 Peter 3:7. वैसे ही हे पतियो तुम भी. वाइफ. तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ. Likewise, you husband dwell with them with your wife according to knowledge. स्त्री को निर्बल पात्र जानकर. Considering the wife as a weaker vessel. उसके आदर करो. Respect her. ये समझ कर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं. Understand that you are joint heirs together of the grace of life. हमें पति पत्नी परमेश्वर यीशु मसीह के साथ वारिस हैं.
husband wife are joined hands in Jesus Christ. इसलिए पति पत्नी है एक दूसरे से प्रेम करें. If your husband wife love one another. आपकी शादी लड़ाई के लिए नहीं, शांति और प्रेम के लिए, नौ फलों के लिए. Your marriage is not for fighting and screaming, but for love. Hallelujah. Nine fruits of the Holy Spirit. सब मानव जाति परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकते हैं. Every creature can come into the presence of God. एक समय एक-एक व्यक्ति मूसा एलिजा एक-एक व्यक्ति के द्वारा प्रभु कार्य करते. There was a time only one person like Moses and Elijah were selected, chosen to come. अब सारी विश्वासियों से प्रभु कार्य. The good news is every person, every believer can come into God's presence. हाले विश्वासी जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं यीशु के लिए जीते हैं. Who is a believer? The one who believes in Jesus Christ and lives for Jesus. इसलिए हमारा पांचवा मुद्दा है मैं यीशु में चालू किया मैं यीशु में खत्म करूं. Therefore our fifth motto is to start with Jesus, end with Jesus. पहला बात हमने कहा हम यीशु मसीह की उपस्थिति परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकता है. First thing that I said was everyone can come into the presence of God. दूसरी बात अब कोई मीडिएटर नहीं है. Now we have no mediator. Second word. एक समय था मूसा मीडिएटर बनकर लोग और परमेश्वर के बीच में मूसा मीडिएटर बनकर कार्य करता था. There was a time when Moses remained as a mediator between God and man. अगर परमेश्वर को लोगों को कुछ बोलना था मूसा से बोलते थे और मूसा लोगों को बताते थे. If God had to tell something to Moses, he had to speak through Moses and Moses would instruct the same to the people. निर्गमन 19:7-8. Look at Exodus 19:8-9. निर्गमन 19 उसका 7-8. तब मूसा ने आकर लोगों के पुरनियों के बुलवाया. And Moses came and called for all the elders of the people. ये सब बातें जिनके कहने की आज्ञा यहोवा ने उसे दी थी. And all these words which the Lord commanded him. उनको समझा दी. Laid before their faces. और सब लोग मिलकर बोल उठे. And all the people answered together. जो कुछ यहोवा ने कहा है. And said that all the Lord has spoken. वह सब हम नित करेंगे. We will do. लोगों की ये बातें मूसा ने यहोवा को सुनाई. Moses returned the word of the people unto the Lord. परमेश्वर की बातें लोगों को बताया, लोगों की बातों को मूसा ने परमेश्वर को बताया. Moses told the instruction of God to the people and got back the people's reply to God. निर्गमन 20 उसका 18. Let us read Exodus 20:18. सब लोग गर्जन और बिजली और नरसिंह के शब्द सुनाते हुए धुआं उठाते हुए All the people saw the thundering and the lightning and the noise of the trumpet. पर्वत देखते रहे And the mountain smoking. देख के कांप कर दूर खड़े हो. When the people saw it, they removed and stood afar. वे मूसा से कहने लगे They said unto Moses, तू हमसे बातें कर. Speak thou with us. तब तो हम सुन पाएंगे. And we will hear. परंतु परमेश्वर हमसे बातें न करे. But let not God speak with us. ऐसा न हो कि हम मर जाएं. Lest we die. Amen. Amen. लोग डरते थे परमेश्वर से बातें करने के लिए क्योंकि उसकी तेजस इतनी तेज था कि वो मर जाते. People were so scared to talk before God because His glory and radiance was so powerful that people would die in that presence. परमेश्वर पवित्र है, अपवित्र लोगों से उसे कोई वास्ता नहीं. God is a holy God. He doesn't have anything to do with unholy people. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. अब लोग परमेश्वर की उस वाणी को सुन नहीं पाते. Therefore the people could not hear the voice of God. इसलिए उनको मीडिएटर का दरकार था, मध्यस्थ करने वाला. Therefore they needed a mediator, intercessor to stand between God and man. इसलिए मूसा बीच में खड़ा होकर परमेश्वर की संदेश लोगों तक और लोगों के संदेश परमेश्वर तक पहुंचा. So Moses would mediate between taking God's word to people and people's word to God. 2000 साल पहले यीशु मसीह आया मीडिएटर बन के आया. Become mediator for us. हमारे लिए और परमेश्वर के लिए, पिता परमेश्वर को, पिता परमेश्वर की संदेश लेके हमें सुनाने के लिए, हमारी संदेश पिता परमेश्वर को सुनाने के लिए यीशु मसीह मीडिएटर बन के आया. Jesus came to take the word of God and give it to us and our word to Jesus to God. अभी कोई मनुष्य मीडिएटर नहीं है, परमेश्वर यीशु मसीह हमारे मीडिएटर. Now there's no need of any man to be the mediator, but we have God, Jesus Himself, who's the mediator between God and man. हमारा मीडिएटर अब यीशु मसीह. Now the mediator is only Jesus Christ for us. Amen. यीशु मसीह आया 2000 साल पहले. Jesus Christ came 2000 years back. और कहा, मैं ही रास्ता हूँ, मैं ही जीवन हूँ, मैं ही सत्य हूँ. And said, I am the way, the truth, and the life.
हमारा रास्ता कौन सा है? यीशु मसीह। Who is our road, way? It is Jesus Christ. हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के बारे में जानने के लिए अभी मनुष्य नहीं, आप डायरेक्टली परमेश्वर को जान सकते हैं। To know about God, you don't have to go through a man, but you can go directly to Jesus Christ. प्रभु अधिकारों को रखा वो भूलना मत। But do not forget, God has kept authorities over us. पर इस बात को लेकर कई लोग बोलते मुझे कोई नहीं, पास्टर नहीं, प्रेरित नहीं, अपोस्टल नहीं, कोई नहीं, मुझे सीधा नहीं, अधिकारों को प्रभु रखा है। Always remember, God has kept authorities over us. अधिकारों को अधीन और सम्मान में रहने का। We must respect and remain submissive to the authority. क्योंकि वो अधिकार परमेश्वर रखा है। Because that authority is kept by God. रोमियों 13:1 से पढ़ेगा तो आपको मालूम पड़ेगा अधिकार परमेश्वर रखा है। If you read Romans 13, that God has bought authorities over us. अगर आप उसके साथ रहते तो परमेश्वर के आदर और सम्मान करते हैं। If you are standing with them, you are respecting and honoring God. पर इधर हमारा मीडिएटर यीशु मसीह है। But here our mediator is Jesus Christ. मनुष्य नहीं, परमेश्वर खुद। Not man, but God Himself. मनुष्य खुद कर्म करके हम अपने आप को बचा नहीं सकते। Man cannot do works and save himself. इसलिए यीशु मसीह आया, जो यीशु मसीह किया, वो हमें बचाता है। Therefore Jesus came, so whatever Jesus have done for us has saved our life. इसलिए यीशु मसीह में हम डैडी के पास अप्रोच कर सकते हैं। Therefore through Jesus Christ we can approach our daddy. और इसलिए हम हर रोज उस डैडी से सुन सकते हैं। Therefore every day we can hear from daddy. Amen. उसकी आवाज मेरी आत्मा में गूंजता है। His voice always echoes in my ears. आप सुन नहीं पाते क्योंकि आपने सही तौर से ट्यून नहीं किया। You can't hear, but because you're not in tune your ears with Him. पवित्र आत्मा की आवाज gentle voice है। Because the voice of the Holy Spirit is a very gentle. पर आप उत्साहित होगा उसकी आवाज को सुनेगा। If you're excited, you will definitely hear His voice. मैं हर रोज प्रभु की आवाज सुनने के लिए तड़पता हूँ और प्रभु मुझे अपनी आवाज से मुझे तृप्त करता है। Every day I wait to hear my Savior's voice and God speaks to me. आज जिस तरह मूसा मीडिएटर था उसी तरह हम और आप जो लोग यीशु को नहीं जानते मीडिएटर बनकर उनको यीशु के पास लाने का है। Just like Moses was a mediator, we should be a mediator and bring people to Jesus. अनेक लोग आज परेशान में उनको कोई छुटकारा देने वाला नहीं, उनको एक तिनका की दरकार, एक आवाज की दरकार है। क्या आप वो आवाज बनेगा, मीडिएटर बनकर लोगों को प्रभु के पास लाएगा? In this world, drowning world, many people need deliverance and they are looking out for somebody to hold on to. Will you be that savior for the world? यीशु मसीह धरती पे आया, उसका जो काम मकसद परमेश्वर दिया वो करके गया। Jesus came to this world and he fulfilled the purpose for which God his father had sent him. पर प्रभु यीशु ने हमको और आपको धरती में रखा है कुछ मकसद के लिए। But Jesus kept us here on earth for a purpose. जो यीशु को नहीं जानता उनको यीशु का नाम देना हमारा जीवन का मकसद है। Those who don't know Jesus, to give them the word of Jesus is our purpose. सारे दुनिया जगत में जाकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से यीशु का नाम को सुनाओ। Go to the entire world and speak God's word in the name of the Father, Son, the Holy Spirit. पहला बात हमने कहा, क्या कहा? First thing, what did we say? सब परमेश्वर के पास आ सकते। All are open to go to God. यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के नाम लेने वाला, यीशु पे विश्वास करने वाला, सब डायरेक्टली किसी माध्यम के नहीं, डायरेक्टली यीशु के पास, परमेश्वर के पास आ सकते। Everyone who believes in Jesus Christ, everyone can go to the Father. दूसरी बात, हमें मीडिएटर की दरकार नहीं, हमारा मीडिएटर यीशु मसीह है। Second thing, we don't need a mediator. Our mediator is Jesus Christ. तीसरी बात, हमें कोई सीमा नहीं, no limits. Third thing, we don't have limits. हमारा परमेश्वर unlimited God है. Our God is an unlimited God. उसका कोई सीमा नहीं. There is no limit to Him. परमेश्वर ने मूसा को बोला. God said to Moses. सीमा रखो. Put a boundary. पर्वत के सामने जब तू मुझसे मिलने आता है सीमा रखो। Meet me in the mountain, put a boundary. और ये भी कहा, जो उसे क्रॉस करेगा, उस सीमा को क्रॉस करेगा, उसे मार दो। He also said that those who cross the boundary, they should be killed. उस समय के लोग घबराते थे, डरते थे परमेश्वर के सामने आने के लिए। Therefore that time, the people of those times were so afraid, they would tremble and fear. निर्गमन 19 उसका 12 में लिखा है। Exodus 19:12 says, और तू लोगों के लिए चारों ओर बाड़ा बांध देना,
ये मूसा से परमेश्वर कह रहा है. God said to Moses, "You put a boundary around the mountain." और उनसे कहना. And tell them. तुम सचेत रहो कि पर्वत पर ना चढ़ो. Take heed to yourself that you don't go onto the mountain. और उसकी सीमा को भी ना तो. Or touch the border of it. और जो कोई पहाड़ को छुएगा वह निश्चय मार डाला जाए. My God. Whosoever touches the mountain shall surely be put to death. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. 23:24 उसका उसी वचन उसी अध्याय का. We'll go to 23:24. मूसा ने यहोवा से कहा. Moses said to God. वे लोग सिने पर्वत पर नहीं चढ़ सकते. Moses said unto the Lord, the people cannot come up to Mount Sinai. तूने तो आप हमको यह कहकर चिताया कि पर्वत की चारों ओर बाड़ा बांधो. Thou charged us saying, set a boundary about the mountain. उसे पवित्र करो. And sanctify it. यहोवा ने उसे कहा. And the Lord said to Moses. उतर जा. Away, get thee down. और हारून समेत तू ऊपर आ. And thou shalt come up, thou and Aaron. याजक और साधारण लोग यहोवा के पास बाड़ा तोड़ना. But let not the priests and the people break through to come up unto the Lord. ऐसा न हो कि वह उन पर टूट पड़े. Lest he break, they break forth upon them. अतः ये बातें मूसे ने लोगों से पास उतर के उनको सुनाई. So Moses went down to the people and spoke unto them. मूसा उन लोगों को जाकर जो परमेश्वर ने कहा वो बताया. Moses went to the people and said to them what God had told them. मूसा पर्वत के ऊपर परमेश्वर से मिलने जाते थे. Moses could go to the mountain and talk to God. और इस्राएली लोग पर्वत के नीचे रुकते थे. But the people of Israel could always wait on the bottom of the mountain. निर्गमन 19 उसका 17 से देखते हैं. Let's read Exodus 19. तब मूसा ने परमेश्वर के भेंट करने के लिए छावनी के से निकल आए. तब मूसा ने लोगों को परमेश्वर की भेंट करने के लिए छावनी से निकल आया. And Moses brought forth the people out of the camp. And वे पर्वत के नीचे खड़े हुए. They stood at the lower part of the mountain. यहोवा जो आग में होकर सिनै पर्वत पर उतरा था. And Mount Sinai was altogether on smoke because the Lord descended upon it in fire. इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गए. And the mountain quaked greatly with the smoke of a furnace. इस कारण और उसका धुआं भट्टे और सा उठ रहा था. And the smoke thereof ascended as the smoke of a furnace. समस्त पर्वत बहुत कांप रहे थे. And the whole mountain quaked greatly. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. कितने लोग सुन रहे हैं? How many of you heard what I said? मैं क्या किसी से बात कर रहा हूँ? Am I talking to somebody? सिर्फ मूसा परमेश्वर की उस महिमा पे जा सका. Only Moses could go to the glory of God. मूसा जा सका क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति से भरा था. Why Moses could go because he was filled with the glory of God. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. मत्ती 27 उसका 51. Matthew 27:51. मत्ती के सुसमाचार 27:51. Matthew chapter 27 verse 51. मिला सबको? Did everyone get it? और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट कर दो टुकड़ा हो गया. Behold, the veil of the temple was rent into two. धरती डोल गई. Earth did quake. और चट्टानें तड़के गए. And the rocks rented. मंदिर का पर्दा ऊपर से लेके नीचे तक फट गया. The veil of the temple was torn from the top to the bottom. मूसा काली ने याजक लोग जब तंबू में जाते थे अति पवित्र स्थान में एक पर्दा था जहां पर कोई नहीं सिर्फ याजक जा सकता था. Not only Moses but when the priest went there was a curtain between the holy and the most holy place and only the high priest could enter the most holy place beyond the curtain. वो याजक साल में एक बार या दो बार जाते हैं. And that the main priest, the big priest, high priest could only go once in a year. कोई उधर नहीं जा सकता. No one else could enter it. एक पाँव में रस्सी दूसरे पाँव में घंटा लगा के जाते हैं. The high priest would tie a thread. Rope round one of his leg and a bell on the other leg. अगर by chance कुछ गलती से वो मर भी जाए तो कोई उसे अंदर नहीं जा सकता रस्सी से खींच के बाहर. By chance he would die, the high priest would die there in the presence of God. Nobody will dare to enter it. Only they would pull the rope and pull him out. परमेश्वर सबसे नहीं किसी लोगों से बात करते थे. God never spoke to everyone, but only spoke to some people. But यीशु मसीह हमारा मध्यस्थ. But Jesus is our mediator. कालवरी क्रूस पे जब वो मरा.
When he died on the cross of Calvary. उसने आखिरी शब्द कहा, it is finished. The last word that he spoke was, it is finished. अब वो पर्दा ऊपर से लेके नीचे तक फट गया. And the curtain tore from top to bottom. एक समय कुछ लोग खाली अति पवित्र यानी कि परमेश्वर से मिलने जाते थे. There was a time only some people would go into the presence of God. मूसा, याजक लोग. Moses and the priest. पर अब हम सबको प्रभु जो उसको यीशु मसीह के नाम से पुकारते सबको अति पवित्र स्थान में जाने के लिए 24वां घंटा मेरा परमेश्वर अपने दरवाजे को खोल दे। The good news is now everyone 24/7 can enter into the presence of God. यीशु मसीह में कोई बाउंड्री नहीं। There is no boundaries in Christ Jesus. कोई बाधा नहीं। There's no limits in Christ Jesus. हर जो बाधा थी वो तोड़ दिया और परमेश्वर ने हमें आजादी दिया है। Every boundary and limit was broken and God gave us freedom. दिन के कोई भी समय में परमेश्वर की उपस्थिति में आप प्रवेश कर सकता है। At any time we can enter into God's presence. परमेश्वर की महिमा दिन भर आप भर सकते हैं। The whole day, every moment we can fill ourselves with God's presence. जहां पर आप यीशु प्रभु का वचन कहते हैं दो या तीन मेरे नाम पर जहां पर भी मेरा नाम लेगा मैं उस जगह पर उपस्थित हूं. That is why it says when two or more are gathered in my name, my presence is there. Hallelujah. Hallelujah. आप जहां पर यीशु का नाम लेगा उधर यीशु मसीह उपस्थित. When you take the name of the Lord, the God's presence will be there. याकूब के किताब 4 उसकी 8. James chapter 5 verse 8. परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा. Draw nigh to God, he will draw nigh to you. हमको परमेश्वर के निकट आने का. You have to come close to God. आप एक कदम बढ़ाएगा प्रभु 10 कदम बढ़ाकर आपको छूएगा. You take one step, God will take 1000 step and come to you. पर विश्वासी लोग के पास समय नहीं. But people of God has no time. दुनिया और दुनिया की बातों में व्यस्त है. The believers are lost in the world and things of this world. सुनने वाले भाई और बहनों आप अगर एक कदम प्रभु के लिए बढ़ाएगा प्रभु सब कुछ छोड़ के आपके पास आए. My dear beloved brothers and sisters, if you take one step today towards God, God will take 1000 step and come and take you. बुढ़ा पुत्र छोटा बेटा जब पिताजी से दूर चला गया जब वो वापस आया वो पिताजी अपने हाथों को फैलाकर उसे स्वीकार किया. Look at the prodigal son when he went and messed up his life with sinners. When he came back, the heavenly the father opened up his arm and threw open his arm for his returning son. परमेश्वर की महिमा आपके लिए उपलब्ध है क्या आपके पास समय है उसे पाने के लिए? God's glory is waiting for you, but do you have time to be in His presence? इसलिए पवित्र आत्मा महिमा पे महिमा आशीष पे आशीष हमें ले चलना चाहता है. Therefore, Holy Spirit is taking us from one level of glory to another glory. दूसरा कोरिन्थियों 3 उसका 18. 2 Corinthians 3:18. दूसरा कोरिन्थियों 3:18. कितने लोग सुन रहे? How many people listening? कितनी अद्भुत वचन है. This is a very extraordinary word. प्रभु हमारे लिए सब कुछ खोल दिया है. God has opened everything for us. परंतु जब हम सच के उघड़े हुए चेहरे से प्रभु का प्रताप we all with open face beholding as in a glass इस प्रकार प्रकट होता है. The glass, the glory of the Lord जिस प्रकार दर्पण में in the glass तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश पे अंश करके बदलते जाते हैं. We are also changed into the same image from glory to glory even as by the spirit of the Lord. प्रभु की इमेज में प्रभु की तेजस्वी रूप में अंश में अंश हमको बदलते जाने का है. We have to be changed in the same image from glory to glory. अंश में अंश कब तक जब तक यीशु मसीह मेघों में नहीं आता. Glory to glory till when? Till the time when Jesus will come in glory. निरंतर हमारा प्रभु में होने वाला तेजस बढ़ते जाने का है. Every time our glory should keep on increasing, the radiance should increase in God's पुराने नियम में दिन और मोहरत थे. In the Old Testament there were times and seasons. इसलिए कई लोग दिन के मोहरत देखते हैं. Therefore, they would see the time and season when to approach God. पर आज हमें हर दिन हमारे लिए मोहरत है. Wow, the good news is every day is a time to हर सेकंड हम प्रभु के सामने प्रभु की उपस्थिति में आनंद मनाना चाहिए. हर वक्त हर परिस्थिति में हम प्रभु की उपस्थिति में आनंद मना सकते. Every moment we can rejoice in God's presence. हम सोते मेरा परमेश्वर सोता नहीं. We sleep, but God doesn't sleep. आप रातों को उठ कर रोते हैं प्रभु की उपस्थिति आपकी घरों में आएगा. वो आपसे प्रेम करता है.
कितना महान परमेश्वर है हमारा। हालेलुया, अद्भुत प्रेम करने वाला। क्या आप उस परमेश्वर से प्रेम करेंगे? प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे हैं? मेरी रोंगटे खड़े हो रहे। अद्भुत प्रेम करने वाला, 24 घंटा आपके लिए वो अपनी दरवाजा खोल कर रखा है, वो आपसे प्रेम करता है। हालेलुया, हमारा परमेश्वर का कोई सीमा नहीं, हर सीमा को तोड़कर आपसे वो प्रेम किया है। There's no limit for our God. उसने सारी सीमाओं को तोड़ दिया। He has broken every limit. हमें चौथी बात। The fourth point. No special consecration. There's no need of special ordination or consecration to come before God. Amen. जब जब लोग पुराने नियम में प्रभु के पास आता है, Whenever the people would come into God's presence, वो हाथ पैर मुंह कपड़े धोकर आते, they would always wash their hands and feet and face. Amen. अंदर कैसे भी रहने थे, बाहर शरीर को फ्रेश करके आते थे। It doesn't matter how they would remain inside their heart, but outside they would always remain good and good. मूसा जब सीनै पर्वत पर गया, when Moses went into Mount Sinai, और उसने कॉन्सिक्रेट किया और कपड़े धो के गए। He always consecrated himself and washed his clothes. अब वो तीसरा दिन तैयारी के साथ गए। And with preparation he went on the third day. निर्गमन 19 उसका 14-15 लिखा है। Romans 19. No. निर्गमन। निर्गमन। Exodus 19. 14:15 says it. तब मूसा ने पर्वत पर से उतरकर लोगों के पास आकर And Moses descended into the people. उनको पवित्र कराया। And made them holy. उन्हें अपने वस्त्र धो दिया। And they washed their clothes. और उसने लोगों से कहा। And he said to them. तीसरे दिन तक तैयार हो जाओ। Be ready against the third day. स्त्री के पास ना जाना। Come not at your wives. Hallelujah. Hallelujah. Even याजक लोग भी consecrate अपने आप को तैयारी करके जाते थे। The priest also had to consecrate. In outward appearance. निर्गमन 19 उसका 22 में लिखा है। Exodus 19. याजक जो यहोवा के समीप आया करते थे, the priest would come to him. वे भी अपने को पवित्र करें। They should come and sanctify themselves. कहीं ऐसा ना हो कि यहोवा उन पर टूट पड़े। Lest the Lord break forth upon them. Amen. वो हाथ धोते थे, पैर धोते थे। They would wash their hands, they would wash their feet. They would become very fresh. क्योंकि उस समय बाहरी तौर से जाना था। That time, outward appearance, ceremony looking very important. पर मेरा परमेश्वर बाहर नहीं, आपका अंदर देखता है। But do you know God doesn't see the outward appearance, but God sees your heart. हाथ धोए ने आप डैडी आई लव यू बोलेगा, वो आपके लिए उपलब्ध है। It doesn't matter how you wash your face or your hands or leg, but when you go and tell daddy I love you, he will just be in your इसलिए आज सारी धर्म में ये बातें करते हैं, हाथ धोते हैं। Therefore we see all the ceremonial washing only in other religions. अगर हाथ धोएगा नहीं तो बाइबल छुएंगे नहीं। They will not take the Bible without washing hands because holy Bible. इसलिए वो जिंदगी में छूता नहीं। Therefore in the lifetime they don't take the Bible. Hallelujah. Hallelujah. पर प्रभु हमें सारी कॉन्सिक्रेशन से अलग किया। हमारी पवित्रता नहीं, हमारी पवित्रता हमें पवित्र नहीं करता, परमेश्वर की पवित्रता मुझे पवित्र करता है। वापस बोलता हूँ, हमारी पवित्रता हमारी शरीर की पवित्र ओके हमारा शरीर स्वच्छ रहेगा तो अच्छी बात है। It's good, our body is clean. पर हमारी पवित्रता हमें पवित्र नहीं करता, परमेश्वर की पवित्रता मुझे पवित्र करता है। Our ceremonial washing doesn't make us clean, but God's holiness makes us clean. Hallelujah. Hallelujah. यीशु मसीह में अनंत काल तक मैं और आप पूर्ण तौर से उसकी लहू में शुद्ध और पवित्र हैं। In Christ Jesus, you and I are clean and white. पहला कोरिन्थियों 6 उसका 9 से 11। 1 Corinthians 6. कितने लोग समझ रहे हैं? क्या आप समझ रहे बात को? पहला कोरिन्थियों 9 से 11। क्या तुम नहीं जानते कि तू अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य की वारिस ना होगा? Knowing not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God. धोखा ना खाओ। Be not deceived. ना वेश्यागमी। Neither fornicators. ना मूर्ति पूजे। Nor idolaters. परस्त्रीगमी, not adulterers, ना लुच्चे, not effeminate, ना पुरुषगमी, not abusers, ना चोर,
with mankind. Na lobhi. No thieves. Na piyakar. Nor covetous. Na gali nor drunkards. Na andhera karne wala. Nor extortioners. Shall inherit the kingdom of God. Tumme se ye kitne aise bhi hai. But as such, where some of you. Parantu tum Prabhu Yeshu Masih ke naam se. But you are washed and you are sanctified. Hamare Prabhu. परमेश्वर की आत्मा से धोए गए हैं नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस एंड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड आप पवित्र हुए हैं यू आर वॉश्ड यू आर सैंक्टिफाइड एंड जस्टिफाइड इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस ये पापी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होगा पर जिस दिन आप यीशु के हाथ में देकर यीशु को प्रभु मानता है उसकी पवित्र आत्मा यीशु के लहू से आपको धोकर पवित्र करता और आपको धर्मी ठहराता है सिनर्स कैन नेवर बी इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड बट व्हेन यू आस्क फॉरगिवनेस एंड कम इनटू गॉड्स प्रेजेंस यू आर मेड राइटियस बाय गॉड You can come into God's presence. Yeshu Masih hamare liye dharmikta bane. He became holiness Jesus and sanctification. Righteousness and sanctification for us. Pehla Corinthians 1 uska 30. 1 Corinthians 3:30. 1 ka 30. Pehla Corinthians 1:30. 1 Corinthians 1:30. Parantu usi ki aur se tum Masih Yeshu mein ho. But of him are you in Christ Jesus? जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए who of God was made unto us ज्ञान ठहराया wisdom अर्थित धर्म righteousness अपवित्रता sanctification और छुटकारा and redemption मसीह यीशु में मुझे और आपको धार्मिक ठहराया Christ Jesus God has made पवित्र ठहराया righteous sanctified हालेलुया हालेलुया मसीह यीशु में हम पवित्र हमारे करने से हम पवित्र नहीं only in Christ Jesus we are righteous not because of our works Hebrews 10:14 हिब्रानी 10:14 हालेलुया कितने लोग समझ गए क्योंकि उसने एक ही चढ़ावा के द्वारा by one offering उन्हें जो पवित्र किया जाता है the one that are being sanctified सर्वदा के लिए सिद्ध किया जाता है perfected them forever एक ही बार परमेश्वर only one offering कालवरी क्रूस पर मेरे लिए और आपके लिए बलिदान उसके लहू की सारी बूंद बहाए गए His entire blood was shed. उसकी कुर्बानी से हम और आप पवित्र हैं। By that one offering and sacrifice we are sanctified. Hallelujah. Hallelujah. अब हमें क्या करने का है? उसके लहू को अप्लाई करने का है। What should we do now? We should always apply His blood in our body. 2000 साल पहले बहा वाला यीशु का लहू में हम बेताजगी है। Same blood which was shed 2000 years back has the उसका लहू की एक बूंद काफी आपकी सारी पापों को धोकर शुद्ध करे। One drop of Jesus' blood is enough to wash all your sins away. क्या विश्वास करेंगे? Will you believe that? आपकी कर्मी आपको बचाता नहीं। Your work will not save you. आपकी कर्म आपको बचाता नहीं। Your work will not save you. आपका धर्म आपको बचाता नहीं। Your religion will not save you. यीशु मसीह और यीशु मसीह का लहू आपको बचाता है। Only Jesus and the blood of Jesus can save you. Hallelujah! उस नए वाचा में प्रभु यीशु बोला, अपने शरीर और लहू लेकर ये नए वाचा में मेरा लहू और मेरा शरीर है। Jesus said, "This blood is a new covenant." परमेश्वर का फेवरेटिज्म कोई नहीं। God has no favors. परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। God just loves everyone. वो किसी की तारीफ नहीं करता, वो सबकी तारीफ करता है। He doesn't appreciate one person, but he loves and appreciates everyone. क्यों कुछ लोग आशीष पाते, क्यों कुछ लोग आशीष नहीं पाते? Why do some are blessed, some are not blessed? क्योंकि कुछ लोग को ये समझ में आया है। Because some people understand. क्या समझ में आया? What did they understand? कि यीशु मसीह ही मेरे लिए सब कुछ है। That Jesus Christ only is everything for me. यीशु मसीह में आप कौन है नहीं समझेंगे तो आप प्रभु की आशीष नहीं पाएंगे। If you don't know your identification in Christ Jesus, you will not be able to get the blessing from that. जो समझ गया मैं यीशु मसीह में कौन हूँ, वो पक्का आशीष पाएंगे। Those who have found out the identification in Christ Jesus will definitely. इसलिए आज आप निर्णय लो कि मैं यीशु मसीह में प्रभु की पूर्णता को पाऊंगा। You say in Christ Jesus, I will receive the wholeness of God. पहला को आखरी वचन पढ़ के हम जल्दी से पढ़ते हैं। पहला कोरिन्थियों 3:18। 1 Corinthians 3:18. पहला कोरिन्थियों 3:18। 1 Corinthians 3:18. कोई अपने आप को धोखा ना दे। Let no man deceive himself. यदि तुम में से कोई संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे, if any man among you seems to be wise in this world, तो मूर्ख बने, let him become a fool, कि ज्ञानियों हो जाए, ज्ञानी, that he may be wise. क्योंकि इन संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है.
Because the wisdom of this world is foolishness in the eyes of God. अगर बुद्धि से परमेश्वर को पकड़ने सोचेगा कभी नहीं पकड़ाएगा. You cannot catch God with your wisdom. आपकी बुद्धि छोटा है. Your wisdom is so small. परमेश्वर बहुत बड़ा है. And my God is so big. परमेश्वर को जानने के लिए अपने आप को जब प्रभु के हाथ में समर्पण करें. Know this God when you surrender your life. ज्ञानियों को अपनी चतुराई में फंसा देता है. He will catch the wise in its craftiness. प्रभु ज्ञानियों को विचारों को जानता है कि व्यर्थ है. He knows the wisdom of the wise of this world because they are foolishness with God. और 23 में कहता है तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का है. Verse 20 says you are Christ and Christ is of God. जोर से बोलो मैं मसीह का हूँ. Say I am of Christ. और मसीह परमेश्वर का है. And Christ is of God. उसका मतलब मैं परमेश्वर का हूँ. That means I belong to Jesus Christ. हम बुद्धि से परमेश्वर को पा नहीं सकते. Without wisdom we cannot obtain God. पर हम प्रभु की वचनों को ध्यान करें विश्वास करेगा तो हम परमेश्वर को पाएंगे. When we maintain on God's word and believe then we can obtain God. आपकी कर्म आपको नहीं बचाएगा. Your works will not save you. जो यीशु मसीह मेरे लिए किया मैं उस पर विश्वास करता वो मुझे बचाता है. Only when you believe in the works that Jesus Christ finished then you will be saved. इसलिए आज हमने देखा क्या देखा. What did we see today? जो यीशु मसीह का नाम लेते हैं वो सब यीशु के पास परमेश्वर के पास जा सकते हैं. Those who take the name of the Lord all can come to Jesus. कोई व्यक्ति नहीं परमेश्वर आप से बातें करना चाहता है. God doesn't want to speak through a mediator, he wants to speak to you. हमें कोई मीडिएटर की दरकार नहीं. यीशु मसीह हमारा मीडिएटर. Jesus is our mediator. हमारा सीमा नहीं हमारा परमेश्वर असीमित परमेश्वर है. God is not limited, he is unlimited. हालेलुया हालेलुया. हमको पवित्र होके नहीं जाने का प्रभु हमें पवित्र करता है. We don't have to do ceremonial washing, हाथ धोने का पांव धोने का washing of hands, washing of feet to meet with God. हमारी पवित्रता कुछ भी नहीं पर परमेश्वर की पवित्रता हमें पवित्र करता है. Our holiness is nothing but God has already made us holy. क्या हम प्रार्थना करेंगे? Shall we pray? पास्टर सेलिन हमें प्रार्थना में अगुवाई करेंगे. Shall we pray? Hallelujah. Thank you Lord. Wasn't that an amazing word? कि आज का वचन अद्भुत था. In fact, I was weeping as I was hearing the word. जब मैं वचन सुन रहा था मैं रो रहा था. Because it's such an awesome thing that we can go in the presence of God anytime. और हम कितना अद्भुत बात है कि कोई भी समय 24 घंटे के कोई भी समय प्रभु की उपस्थिति में हम जा सकते हैं. We can't go in the presence of big people anytime. बड़े-बड़े नेताओं के पास हम कोई भी समय में जा नहीं सकते. We have to take appointment. हमें अपॉइंटमेंट लेने का है. We will be disappointed. और फिर हम निराश होंगे. We will not get it through. और हम उन्हें मिलेंगे नहीं. Sometimes we give some Sephardic bribe. हमें अनेक बार हमें ब्राइब देना पड़ेगा. To get there. उधर जाने के लिए. Still we don't find them. फिर भी हम उन्हें मिलेंगे नहीं. But look at Jesus. देखिए ना यीशु मसीह को. At all times we can go to him. हर समय हर पल हम यीशु के पास जा सकते हैं. Whatever reason we can go to him. जो भी कारण है परमेश्वर के पास जा सकते हैं. And get everything that we require. जो भी हमें चाहिए वो सब कुछ हम पा सकते हैं. This is so too much for us. ये कितने अद्भुत है कितना महान है कितने अधिक है. Hallelujah. I know I remember those times. मैं उस समय को जानता हूँ. I know I had just one mediator. मेरे पास कोई एक mediator मध्यस्थ वाला नहीं था. It was not only Jesus. वो सिर्फ यीशु मसीह नहीं था. I also went through Mary, the mother of Jesus. मेरी मरियम जो यीशु मसीह के माता है. Once I would go to Mother Mary to reach God. पहले बार मैं माता मरियम के पास जाते हैं परमेश्वर तक पहुंचने के लिए. I would go to the saints. और मैं saints लोग जो प्रभु के संत लोग थे. Who are dead. जो मरे हुए हैं. I would take their name and go to God. और उनके नाम लेके परमेश्वर के पास जाते. Because I was ignorant. क्योंकि मैं जानता नहीं. Nobody taught me this. कोई मुझे सिखाया नहीं. But when I came to know, जब मैं यीशु मसीह के पास जानने लगा. Timothy, the word of God says, तिमोथियुस में परमेश्वर का वचन कहता है. There's only one God. एक ही परमेश्वर है. And one mediator. और एक ही मध्यस्थ वाला है. God and man. परमेश्वर और मनुष्य के बीच में. That man, Jesus Christ. वो मनुष्य यीशु मसीह. Who paid a ransom for all of us. वो सब कुछ हमारे लिए दाम दे चुका है. No Mother Mary, no saints, no angels have died for our sins. No माता मरियम, no दूत लोग, कोई saints लोग, कोई संत लोग हमारे लिए नहीं मरा. No Mata या संत has died for us.
कोई माता नहीं, कोई नहीं, हमारे लिए मरा नहीं। Who nobody has taken our place and died for our sins. हमारी जगह को लेकर हमारे लिए, हमारे पापों के लिए कोई मरा नहीं। This is awesome. ये अद्भुत है। That Jesus came for us. यीशु मसीह हमारे लिए आया। And he loves us so much. वो हमसे इतना प्रेम करता है। And he's taking us, he's holding our hands and taking us to the Father. और वो हमारी हाथ पकड़कर पिता परमेश्वर के पास लेके जाते हैं। Now we can be one with God. आज हम परमेश्वर के साथ एक हो सकते हैं। Because sin separates us from God. और पाप परमेश्वर से आपको अलग करता है। But Jesus took us one with God, made us. और परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने आकर हमें परमेश्वर के साथ एक किया है। By making us righteous. और हमारे, हमें नीतिमान करके, the moment we believe in Jesus Christ, जिस समय हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया उसी समय, so if you're not believing in Jesus till now, अगर आप अब तक यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, and you believe in so many mediators, अनेक माध्यम को आप रखकर उस पर विश्वास करते हैं, I would encourage you, believe in Jesus Christ today. उन सबको हटा कर मैं विश्वास करता हूँ कि आप यीशु मसीह को अपनी मीडिएटर, आपका जीवन चमत्कार होगा। आइए प्रार्थना करें। And thank God that God has opened the curtain. धन्यवाद यीशु मसीह ने वो पर्दा को हटा दिया। Now we can go to God at any time. ताकि हम परमेश्वर के पास कोई भी समय जा सके। He is always available for us. वो हमारे लिए हमेशा उपलब्ध है। Hallelujah. Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Heavenly Father. स्वर्गीय पिता। This is truly awesome. ये अद्भुत है परमेश्वर। Your word is so awesome. आपका वचन अद्भुत है प्रभु जी। That you open the door for all of us. ताकि आपने हमारे लिए सारी दरवाजों को खोल दिया। What man, what woman? कौन सा पुरुष, कौन सा स्त्री? What Jews, what Greek? यहूदी या ग्रीक? What Brahmin, what scheduled caste? ब्राह्मण या scheduled class के लिए? Everybody, the door is open for us. सबके लिए परमेश्वर आपने दरवाजा खोल दिया। This is really too much for us. और ये हमारे लिए बहुत ही अधिक है प्रभु जी। Thank you, Daddy, for opening the way. धन्यवाद यीशु उस पर्दों को खोलने के लिए। And making way for us. हमें वो रास्ता देने के लिए। Jesus is the way, the truth, and the life. यीशु मसीह जीवन, सत्य और मार्ग है। Thank you for taking us through. धन्यवाद यीशु हमें आगे ले जाने के लिए। We love you so much. हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। Lord, we pray for every person who don't know this way. और हम हर एक व्यक्ति से प्रार्थना करते हैं जो ये पर्दों को नहीं जानते। Who are depending on their works and their religion to save them. और जो अपने कर्मों पर और धर्मों पर विश्वास करते हैं वो बचाएंगे। Please save them. उद्धार दे प्रभु जी। We intercede for the people of India. और इंडिया के लिए हम मध्यस्थ खड़ा होकर, गैप में खड़ा होकर प्रार्थना करते हैं। ways for themselves. अनेक लोग ने अनेक रास्ताओं को खोद के रखा है प्रभु जी। To reach you. परमेश्वर तक पहुंचने के लिए। Everything is a failure. और सब कुछ पराजय है प्रभु जी। They are doing great good works for reaching you. अनेक कर्मों को कर रहे हैं परमेश्वर आप तक पहुंचने के लिए। But it has all failed, Lord. और वो सब हार गए, पराजय हो गए। Because from heaven you made a way. क्योंकि स्वर्ग से आपने हमारे लिए एक रास्ता खोल दिया। And that name is Jesus Christ. और वो रास्ता है यीशु मसीह। Thank you, God. धन्यवाद यीशु। Thank you for opening the eyes of the understanding. हमारी आँखों, समझ की आँखों को खोल दिया। धन्यवाद। To know this great truth. ये बड़ी सत्य को जानने के लिए धन्यवाद यीशु। And truth has set us free. अब वो सत्य हमें आजाद करेंगे। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। Hallelujah. Amen. So if the word of God says we have no mediator. आप परमेश्वर का वचन कहता है हमें कोई मध्यस्थ वाला नहीं। Many people ask me. अनेक लोग मुझसे पूछते हैं। Can we read the Bible in such and such a time? क्या मैं परमेश्वर की शास्त्र बाइबल को ऐसे ऐसे समय में पढ़ सकता हूँ? I feel myself so dirty. मैं अपने आप को घृणा करता हूँ, गंदा समझता हूँ। I'm a woman. Can I go to the temple, to the church? मैं स्त्री हूँ, मैं बहन हूँ। क्या मैं कलीसिया जा सकता हूँ? Yes, you can. आप जा सकते हैं। Because Jesus opened the door for you. क्योंकि यीशु मसीह ने आपके लिए रास्ता खोल दिया। You don't need any mediator. आपको कोई मध्यस्थ व्यक्ति नहीं चाहिए। Jesus Christ is our mediator. यीशु मसीह हमारा मध्यस्थ व्यक्ति है। Hallelujah. Hallelujah. It doesn't matter who you are. आप कोई भी रहने दें। Low caste, high caste. नीचे वाला, ऊपर वाला। Rich and poor. धनवान या गरीब, businessman or a beggar, business करने वाला हो, व्यापार करने वाला हो या भीख मंगा हो, you are all welcome. आप सब प्रभु के राज में आ सकते हैं। To enter
God's presence. परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करने के लिए. And to enjoy God's presence. आप परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद मनाने के लिए. And to receive every good things from His presence. और उसकी उपस्थिति से सब अच्छा और भलाई मिलने के लिए. God's word says. परमेश्वर का वचन कहता है. James 1:17. याकूब 1:17. Every good and perfect gifts come from Father above. सब उत्तम वरदान स्वर्गीय यानी कि पर्वतों के परमेश्वर ज्योतियों के परमेश्वर से आता है. In whom there is no variation. या जिसमें कोई बदलावट नहीं. But if you want to get the good and perfect gift. अगर आपको उत्तम वरदान चाहिए. You should know how to reach God. आपको जानने का कैसे परमेश्वर तक पहुंचे. Just believe in Jesus Christ. सिर्फ आप यीशु मसीह पे विश्वास करिए. You can reach God. आप परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं. Hallelujah. Hallelujah. Above there is no limit to God. आप परमेश्वर के सामने कोई सीमा नहीं. There were boundaries before. पुराने नियम में सीमाएं थे. We see even in many places they keep fences so that people will not come in the into the holy of holies. अब हम कई पवित्र स्थान में पुण्य जगहों में देखा जहां पर बाड़ा रखे जहां उधर उसके आगे जा ही नहीं सकता. Nobody can go. Only the priest, the pujari can stand there before. सिर्फ पुजारी या याजक लोग उधर ही आगे जा सकते हैं. But the good news is. पर अच्छी खबर ये है. That there is no boundaries, no limits. आगे उधर कोई सीमा नहीं, कोई boundaries नहीं. You can enter God's presence. आप परमेश्वर के उपस्थिति में प्रवेश कर सकते हैं. He is always waiting for you. और वो हमेशा आपके लिए हाथों को बढ़ाकर आपको स्वागत करने के लिए तैयार है. All you need is the blood of Jesus. सिर्फ आपको चाहिए यीशु मसीह का लहू. Every day tell Lord forgive my sins. हर रोज बोलिए प्रभु जी मेरे पापों को तू क्षमा कर. Wash me in your blood. यीशु मसीह के लहू से मुझे धो दे. And make me one with you. मुझे आपके साथ एक करिए. Shall we pray? आइए प्रार्थना करें. Heavenly Father. स्वर्ग पिता. Thank you. धन्यवाद. There's no limits or boundaries for you. आपके सामने कोई बाधाएं नहीं, कोई लिमिट्स नहीं प्रभु जी. You give us a spirit without measure. आप हमें आत्मा देता है कोई नाप तोल नहीं उसका. Thank you so much. धन्यवाद यीशु मसीह. We give you glory. हम तुझे महिमा देते हैं. That we can come into your presence. ताकि हम आपकी उपस्थिति में आ सके. In Jesus name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं. Hallelujah. We learned today that there is no special consecration also. और हमने देखा आपको खुद की तरफ से कुछ अलग पर नहीं करने का. Because in many places we have to wash your hands and legs. अनेक पुण्य जगहों में जाते तो हाथ धोना पड़ेगा, मुंह धोना पड़ेगा. You anoint your head. आपके सर को तेल से अभिषेक करना पड़ेगा. No, nothing is required. कुछ भी नहीं दरकार. You can come into God's presence. आप परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकते हैं. You can enter the Holy of Holies with the blood of Jesus. अति पवित्र स्थान में प्रवेश करते कर सकते हैं यीशु के लहू के द्वारा. The word of God says. परमेश्वर का वचन कहता है. By one offering. एक बलि के द्वारा. God has sanctified us forever. परमेश्वर ने हमेशा के लिए हमें शुद्ध और पवित्र और सिद्ध कर दिया. Hallelujah. धन्यवाद यीशु. That's a great news. बहुत बड़ी खुशखबरी. Hallelujah. Shall we pray? आइए प्रार्थना करें. Heavenly Father, we thank you. स्वर्गीय पिता हम धन्यवाद देते हैं. We don't need any ceremonial washing to come before your presence. हमें अपने आप को शरीर की धूप और आपके उपस्थिति में आने की दरकार नहीं. Your blood and grace is sufficient. आपके लहू और अनुग्रह काफी है प्रभु जी. थैंक यू सो मच. धन्यवाद प्रभु जी. योर ब्लड हैज फ्रेशनेस इवन नाउ. और आपका लहू अब भी ताजगी से भरा है प्रभु. यू वॉश अस क्लीन. हमें शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने ऑफ आवर सिकनेस. हमें चंगाई देने के लिए प्रभु जी. विदाउट शेडिंग ऑफ ब्लड देयर इज नो रेमिशन ऑफ सिन. और यीशु लहू के बहाए बिना पाप की क्षमा नहीं होती. एवरी डे वी कैन पार्टेक इन द होली कम्युनियन. हर रोज हम प्रभु की मेज से भागीदार हो सकते हैं. And be one with you. और एक हो सकते हैं आप. Those who eat your flesh. जो आपकी शरीर खाता है. And drink your blood. आपके लहू पीता है. Have eternal life. अनंत काल जीवन उसका. Yes, Zoe life. जोएल जीवन है उसका. Like Jesus Christ life. यीशु मसीह के जैसा जीवन. Thank you so much. धन्यवाद यीशु. We give you all the glory. सारी महिमा तुझे देता हूँ. In Jesus name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं. Amen. Amen. Now, apostle will lead us further in prayer. आइए प्रार्थना करेंगे सारी कोरोना वायरस अफेक्टेड लोग. We pray for all the corona virus affected people. जो डरे हैं. Those who are scared. वो परिवार जो सताव में. Those family which are so scared. उनको मालूम नहीं क्या करने का है. They don't know what to do. हम प्रार्थना करेंगे वो सब जिंदा रहकर प्रभु की महिमा करें.
We will pray and they will all remain alive and praise God. Doctors के लिए प्रार्थना करें. We pray for the doctors. Nurses के लिए प्रार्थना करें. We pray for the nurses. इन दिनों में जो डरे हैं. Especially those who are scared. उनकी डर निकलकर प्रभु की महिमा प्रकट हो. Let God take away their fear. हमारी सरकारों को तेरे हाथ में देता हूँ प्रभु जी. We pray for our governments. मोदी सरकार. मोदी गवर्नमेंट. चीफ मिनिस्टर्स. चीफ मिनिस्टर्स. सारे लोग. For everyone. जो उत्तम पदों में हैं. Those are in great position. प्रभु जो निर्णय लेते हैं. They take important decisions of life. वो निर्णय आपकी तरफ से होने. Lord, let it be according to your will. ये लॉकडाउन जल्दी से बंद हो जाए. Let this lockdown come to an end. सब कुछ नॉर्मल होने दे. Let everything become normal. वरना वायरस को नष्ट कर देते. We burn the spirit of this corona. हम कहते हैं यीशु मसीह के नाम से उखड़ और जा समुद्र में. We say, command you to leave and cast out into the sea. आई एम सारी कलीसियाओं के लिए प्रार्थना. We pray for all the churches. इन दिनों में कलीसियाओं को प्रभु आशीष कर. That these days God will bless the churches. झुंड के झुंड यीशु मसीह कलीसियाओं में लेके आने वाले. The multitudes after multitudes God will bring into the church. आज जब लोग आएंगे वो तैयार होने के लिए. And when people come, they will be ready. यीशु के मेघों में आने के लिए हर व्यक्ति तैयार होने दे. For people Jesus to come into the glory, let everyone be prepared. हर विश्वासी तैयार होने दे. Let every believers be ready. वो दूसरों को तैयार भी करें. Let them prepare others also. आइए प्रार्थना करें. Shall we pray? स्वर्ग पिता धन्यवाद. Heavenly Father, we thank you. सारी कोरोना वायरस अफेक्टेड लोगों के लिए प्रार्थना करें. We pray for all the coronavirus affected people. हम उनके नाम नहीं जानते. We don't know their name. पर आप उनके नाम जानते. But you know their name. अभी इसी वक्त. Right now. वो चंगाई पा. Let them be healed. तेरे कोड़े खाने से वो चंगा है. They healed by your stripes. वो मरेंगे नहीं जिंदा रह के तेरी महिमा करेंगे. They will not die, they will live and declare your works. उनके सारी परिवारों को तेरे हाथ में देता. Lord, we give this under all their families. हर डरे हुए लोगों को प्रभु जी आप तसल्ली और धैर्य दीजिए. Lord, comfort all those who are panicky and fearful. आप हमें डर की आत्मा नहीं. You're not giving a spirit of fear. धैर्य सामर्थ्य और प्रेम से भरा है. But a power, love and sound mind. सही मन दिया धन्यवाद. You're giving the right mind. आशीष कर प्रभु. Bless them, O Lord. सारी डॉक्टर्स को तेरे हाथ में. Lord, we give all the doctors. सारी हॉस्पिटल्स को तेरे. All the hospitals. सारी नर्सेस को. All the nurses. जो सेवा कर रहे हैं. Who are serving you. NGOs के लिए प्रार्थना. All the NGOs. और फंडरेज करने दे. And let them get more funds. जिसके द्वारा तेरे काम महिमा होने दे प्रभु. Let your name and your work be greatly done. कलीसियाओं को तेरे हाथ में देता हूं. Lord, we give our churches into your hands. हर वो कलीसिया आपके लिए इंपॉर्टेंट है. Every church is so important. वो आपका देह है प्रभु जी. They are your body. इन दिनों में आप उन्हें संभाल रहे हैं. Lord, you're taking care of all the church. कोई विश्वासी को कोरोना वायरस छू ही नहीं सकता. No believers can be touched by coronavirus. यीशु के लहू से हर विश्वासी को मोहर लगा. Lord, we seal every believers with the blood of Jesus. हर पास्टर्स को तेरे हाथ में देता हूं. Lord, we pray for all the pastors. स्वर्गीय ज्ञान और बुद्धि से भर दे. Lord, bless them with heavenly wisdom and knowledge. ऐसे स्वर्गीय मन्ना दे प्रभु जी. Lord, give them such heavenly wisdom and knowledge. ताकि हर लोग जो उनके साथ हैं. That whoever is there with them. वो विश्वास में स्थिर होगा. That they'll be still in the faith. आत्मा जीतने वाला व्यक्ति बनेगा. There'll be people who will win souls. अनेकों के लिए आशीष बनेंगे. There'll be a blessing. वो कलीसिया उस मोहल्ला में आशीष होने दे. Let that church be a blessing in that area. आशीष किया धन्यवाद. Thank you, blessed. हमारी प्रधानमंत्री के लिए धन्यवाद. Lord, we pray for our prime minister. सारे चीफ मिनिस्टर के लिए धन्यवाद. We pray for our chief minister. उन सबों को तू आशीष कर. Bless all of them. सारी महिमा तुझे देता हूँ. We give you all the glory. सारे बात की योग्य सिर्फ आप. Because you are worthy of everything. आप ही हमारे बीच में काम कर. You are working in the midst of us. आज हमें जो देख रहा है वो व्यक्ति को तू छू दे प्रभु. Lord, touch every person watching us. मुझे एक दीपक बोल के व्यक्ति सुन रहा है. There's a person called Deepak watching me. दीपक भाई आपके जीवन में बहुत निराशा है. There are many disappointments in your life. और निराशा के वजह से आपको बार बार ये चिंता आ रहा है कि आप आत्महत्या कर लो. And because of disappointments, you are going on saying, "Let me come to say." आज मेरे द्वारा प्रभु यीशु आपसे बात कर रहा है. God is talking to you through me. आप मरने के लिए नहीं जिंदा रहकर प्रभु की महिमा करने के लिए. But to live and bring glory to God. अपने आप को प्रभु के हाथ में दे दो. Give yourself to God. प्रभु आपको बचाएगा. God will save you. आप जो जीवन प्रभु देगा आपके द्वारा अनेकों के लिए आशीष बनेंगे. And the life that God is going to give you now is going to be a blessing for many. समर्पण करो यीशु के पास. Surrender your life to God. यीशु को अपना जीवन दो. Give your life to God. आज से यीशु के बारे में सीखो. Learn about Jesus. वो यीशु आपके जीवन को व्यक्ति के लिए आशीष करे. So now on Jesus will make your life a blessing to many. धन्यवाद यीशु. Thank you, Jesus. हर वो व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं. We pray for all those people. हमें एक परिवार देख रहा है.
There's a family who's आपके घर में हर रोज लड़ाई होते हैं, हर रोज डाइवोर्स की बात होते हैं, and every day there's talk about divorce. आप लोग डाइवोर्स करने के लिए निर्णय ले रहे हैं, and you're taking some decision to divorce. प्रभु मेरे द्वारा आपसे बातें कर रहा है, but God is speaking to you through me. प्रभु मुझे रेवलेशन दे रहा है, God is giving me revelation. मैं आपकी ऊपर भविष्यवाणी करता हूँ, I am prophesizing over you. जो पति पत्नी को परमेश्वर जोड़ा है, the God has joined husband and wife together. कोई उसे अलग नहीं कर सकता, no one can separate. मैं वो डाइवोर्स की दुष्ट आत्मा को कैंसिल यीशु मसीह के नाम से, in Jesus, वो परिवार डाइवर्स नहीं, वो परिवार एक होकर तेरी महिमा करेगा, but will be together and glorify God. धन्यवाद यीशु, आपने ये सब कर रहा है, आप ये सब कर रहे हैं, you have done everything. हम नहीं प्रभु जी, not us. आप, you. आप उन लोगों को जानते हो, you will know हर एक व्यक्ति को तू चंगा कर, you heal everyone, God. हर एक परिवार को तू आशीष, Lord bless all the family. सारी महिमा गौरव आदर तुझे देगा, give all the glory honor power. यीशु के नाम से मांगता हूँ, in Jesus name we pray. सुनो ग्रहण, hear and answer. Amen. Amen. हर रोज सुबह 7 बजे मानते हैं, every morning at 7 we come. आप भी आइए, you too come. मिलके हम प्रभु के लिए कुछ करेंगे, together we'll do something for God. और इंडिया की, इंडिया में प्रभु की महिमा होने वाली, and there's going to be the revival. विश्वास करेंगे, how many people believe this? ये एक ऐसा मूवमेंट होगा कि अनेक लोग 7 से 8 बजे प्रार्थना करेंगे और इंडिया में उसके उत्तर हम देखेंगे. In 7 to 8 we will pray and we will see the answer in India. कई हजारों लाखों लोग जुड़ने वाला है, thousands and lakh of people are going to join us. Amen. Amen. क्या आप साथ देंगे? Will you give us? Will you be with us? वो आपको आशीष करे. God bless you. पिता परमेश्वर का प्रेम, love of God, यीशु मसीह की अनुग्रह, grace of the Lord Jesus, पवित्र आत्मा की सौभाग्य, हम सबों के साथ, be with all of us, यीशु की बादलों में आ जाते हैं, बने रहे, be with us. और सब ने कहा, everyone said, Amen, Amen, Amen. बोलो बोलो यीशु मसीह की जय, जय, जय.